गाइस, कैसे हैं आप सभी? खैरियत? सभी भाई और बहनों को प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार, मैं आपका दोस्त तुषार एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, द नेम इज ऑडियो हंटर। सो कैसे गाइस? दुआ करते हैं कि आप लोग सभी अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आपके तुषार भाई भी बहुत अच्छे से है, बढ़िया से है, म्यूजिक का एंजॉय कर रहे हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं व्लॉग बनाने से पहले आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक्स टू ऑल माई लवली यूट्यूब फैमिली, जो आप हमें सपोर्ट करते हैं, हमें प्यार देते हैं, सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल को, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और इतने प्यारे से वैल्यूएबल लवली से कमेंट्स देते हैं, ताकि हम आपको इतने अच्छे अच्छे रिप्लाईज भी करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइस। तो दिल से, तहे दिल से मैं शुक्रिया करता हूँ अगेन अपनी यूट्यूब फैमिली का और अपनी यूट्यूब टीम का, जो कि हमारी वीडियोज़ को आप ऑल ओवर इंडिया लोगों तक पहुंचाते हैं। तो मैं उनका भी दिल से, तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। सो आइए गाइस, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सो कोशिश यही रहेगी कि आज मैं कम से कम छोटी सी वीडियो बनाऊं, लेकिन क्या करें गाइस, डिटेल्स दिखाना भी बहुत ज़रूरी है, पर फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं, कोशिश के आगे कुछ नहीं है। ठीक है, तो आइए शुरू करो गाइस। आज के जो हमारे मेहमान हैं, हमारे गेस्ट साहब हैं, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिल्कुल शोरूम कंडीशन स्टीरियो एम्पलीफायर है हरमन गार्डन का, जिसका मॉडल है HK3490। जैसे कि आप देख सकते हैं मेटालिक इसमें लिखा हुआ है HK3490, जो कि बहुत अच्छी कंडीशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये आपका पूरा मेटालिक फिनिशिंग देख सकते हैं, ग्लास पूरा ब्लैक है इसका। ठीक है, और बहुत ही यूनिक इसके जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन बहुत सुंदर है गाइस, आप देख सकते हैं पूरा ग्रेइश एंड ब्लैक मिक्स के अंदर ये आपको एम्पलीफायर मिल जाता है। ठीक है, और ये जो एम्पलीफायर है, जिसका मॉडल है हरमन गार्डन HK3490, जो कि बेसिकली बनाया गया है स्टीरियो एम्पलीफायर है। आप ए और बी, ए प्लस बी, चार स्पीकर्स, आप कोई भी, चाहे बुकशेल्फ हो, चाहे तो टावर स्पीकर हो, कोई भी बड़े से बड़े आप स्पीकर्स इसमें चला सकते हैं आराम से। और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हरमन गार्डन का टैग लगा रखा है इन्होंने। ठीक है, और यहाँ इसमें जो आप देखेंगे मैनुअल, आपको बेस, ट्रिबल, बैलेंस और ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर कैप खोलना चाहे तो ये प्रेस करेंगे तो ये कैप आप इसको निकाल के साइड पर रख भी सकते हैं। ये इसको हम यहाँ रख देते हैं एंड देन सेकंड भी हम इसकी कैप खोल देते हैं, सेकंड वाली प्रेस करेंगे यहाँ आ जाएगी। वाओ, आप आप देख सकते हैं, ये इनके मैंने दो क्लैंप्स निकाल दिए जो कवर्स होते हैं, जो कि आप इसको एम्पलीफायर में जब ये लगाया जाता है तो ये डस्ट लेस होते हैं, डस्ट से बचाने के लिए कंपनी ने ये डिज़ाइन किए, जो कि इनकी कंडीशन भी आप देख सकते हैं टोटली मिंट कंडीशन में है। ठीक है, बहुत यूनिक डिज़ाइन है हरमन गार्डन का। ठीक है, और ये मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे गाइस इसका बेस दे रखा है, इसको प्रेस करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, ऐसी ये ट्रिबल है, इसको प्रेस करेंगे ये भी बाहर आ जाएगा, एंड ये इसका जो बैलेंस है, इसको प्रेस करेंगे तो ये भी बाहर आ जाएगा। तो ये जो इसमें जो है बहुत ही यूनिक सिस्टम दे रखा है, जैसे कि आप ये बेस देख सकते हैं, ठीक है, और ये ट्रिबल देख सकते हैं और ये बैलेंस देख सकते हैं। तो ये मुझे इस एम्पलीफायर में बहुत यूनिक सा, ये इसका जो डिज़ाइन है बहुत खूबसूरती से हरमन गार्डन ने इसे बनाया है, और फ्रंट में आपको लेफ्ट राइट ऑडियो का भी मिल जाता है, ये बैलेंस है, यूनिक सा है, बहुत प्यारा सा है, और इसको आप पुश करेंगे तो ये अंदर जाके लॉक हो जाएगा जहाँ पे आपने सेटिंग करी है। ठीक है, और फिर आप इसको यहाँ पे कवर्स लगा सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अभी हम इसको बाहर प्रेस करके निकाल देते हैं, ताकि हम जब इसका टेस्टिंग वीडियो दिखाएंगे, ताकि हम आपको इसकी सारी डिटेल्स बता सके। सो आइए गाइस, हम इसको बैक का कंडीशन आपको दिखाते हैं कि बैक से कैसी कंडीशन है। ठीक है, और वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मैं एक बारी पहले एक रिमोट दिखा देता हूँ, इसका आपको ओरिजिनल रिमोट मिलेगा, रिमोट में भी देख सकते हैं HK3490 है, सारे इसमें ऑप्शन दे रखे है गाइस, टोटली मिंट कंडीशन में इसका रिमोट है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ये पूरा मैट फिनिशिंग है, रबड़ फिनिशिंग जिसे बोलते हैं, और ये आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है हरमन गार्डन HK3490 असेंबल इन कोरिया।
ठीक है, कोरिया का इसका रिमोट है और टू बैटरीज इसके अंदर डलती है। ठीक है गाइस, अभी टू बैटरीज हम इसमें डाल देते हैं, तो सॉरी टू नहीं फोर बैटरीज, चार बैटरी स्मॉल पेंसिल सेल्स आते हैं वो बैटरीज आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें डायग्राम बना रखा है 1 2 3 4, सो फोर बैटरीज वाला ये रिमोट है, काफ़ी हैवी रिमोट बनाया है हरमन ने, बहुत खूबसूरती बनाया है। ठीक है, सो आइए गाइस हम इसका बैक कंडीशन दिखाते हैं और फिर हम इसको टेस्टिंग वीडियो दिखाएंगे और वीडियो के एंड में हम आपको इसके प्राइस के बारे में बताएंगे किस प्राइस में आप इसे मंगवा सकते हैं। सो चैनल में बने रहिए गाइस। जैसे कि आप बैक का कंडीशन देख सकते हैं, बिल्कुल मिंट कंडीशन में है। जैसे मैंने आपको इसका फ्रंट का कंडीशन दिखाया वैसे ही इसका, जैसे कि मैं बैक कंडीशन देख रहा हूँ, टोटली मिंट कंडीशन है गाइस। और ये हमने फॉरेन कंट्री से ये एम्पलीफायर्स को मंगवाया है। ठीक है, और बहुत नीट एंड क्लीन कंडीशन में हमारे पास ये आया है, आप देख सकते हैं। अपर केस भी बहुत यूनिक है। ठीक है गाइस, रिमोट भी इसका बिल्कुल एक्सेलेंट कंडीशन में है, यहाँ रख देते हैं इसको। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ ये बेस्ट स्टीरियो एम्पलीफायर में से आता है हरमन गार्डन का, जिसमें कि आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। बात करें फीचर्स की, सबसे पहले तो इसमें आपको ऑप्टिकल मिल जाता है, क्योंकि स्टीरियो एम्पलीफायर्स में ऑप्टिकल बहुत मुश्किल से मिलता है, जबकि आता ही नहीं है। ऑप्टिकल मिल जाता है, साथ ही साथ ये कोएक्सल का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप डिजिटल से अपने टाटा स्काई से किसी के साथ भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं, एलईडी टीवी प्रोजेक्टर टाटा स्काई हो गया। ठीक है, और ये तो मैंने आपको बात करी पहले ऑप्शन की। सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं, इसमें आपको दो सबवूफर्स प्री आउट, सबवूफर टू सबवूफर्स कनेक्टिविटी, जो कि एक्टिव वूफर होते हैं, वो आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। ये सबवूफर वन देन सबवूफर टू, यहाँ लिखा भी हुआ है सबवूफर आउट वन टू। ठीक है, सो आप इसमें टू सबवूफर्स इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा स्टीरियो एम्पलीफायर में। और ये तो आपको पता ही होगा सारे भाई और बहनों को, ग्राउंडिंग फोनों का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है इसमें। अब बात करें इसकी सोर्सेस की, तो आप इसमें फोनो इन में टर्न टेबल्स ऐड कर सकते हैं। आप मतलब कहने को अगर इसको रैक सिस्टम बनाना चाहते हैं, तो आप इसमें ऑडियो सीडी भी प्लेयर भी अटैच कर सकते हैं, डीवीडी भी अटैच कर सकते हैं, और टेप इन आउट का ऑप्शन दे रखा है, वीडियो वन इन आउट है। ठीक है, वीडियो टू डीवीडी, वीडियो थ्री इन, तो ये सारे इसके कनेक्टिविटी सोर्स है। यहाँ से लेके आप देख सकते हैं पूरा बॉक्स बना हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है ऑडियो, तो ये ऑडियो से रिलेटेड ऑडियो आउट है, ये आपका पूरा सोर्स दे रखा है। और साथ ही साथ आपको इस एम्पलीफायर में एफएम एंटीना एंड एएम भी मिल जाता है, ये देख सकते हैं एफएम 75 ओम्स एंड ग्राउंडिंग एएम एंटीना, ये पूरा बॉक्स जो देख रहे हैं ट्यूनर का दे रखा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ। तो ये तो हो गए इसके ऑप्शंस, यहाँ के मैंने आपको बता दिए। और ये गाइस प्री आउट ऑप्शन दे रखा है, जैसे कि नीचे अगर मैं ऐसे कैमरा करूँ, मेन इन और प्री आउट, तो इसका अगर आप मतलब पूछना चाहेंगे कि ये क्यों लगा रखा है कंपनी ने, ये इसे मर्ज करके तब आपका साउंड आएगा। अगर आप इस एम्पलीफायर में इक्वलाइजर या आप इस एम्पलीफायर के अंदर पावर एम्प लगाना चाहते हैं, तो आपका ये हरमन जो है प्री एम्प बन जाएगा। सो ये प्री एम्प के भी आप काम कर सकते हैं, जैसे किसी भाई और बहन के पास पावर एम्प है, सो उन्हें अलग से प्री एम्पलीफायर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ये ऑप्शन दे रखा है प्री एम का और इक्वलाइजर अटैच करने का। ये मुझे बहुत अच्छा इसमें ऑप्शन है प्री आउट का। और आप ये देख सकते हैं हर सबवूफर के आगे इन्होंने ये नीचे करेंगे ऑफ हो गया, और ये इसको ऊपर करेंगे ऑन हो गया। अगर आपका मन है सबवूफर वन को चलाना है, तो आप इसको ऑन कर दीजिए। अगर आपका मन करता है कि दोनों सबवूफर चलाने हैं, तो दोनों को ऊपर करके ऑन करके रख दीजिएगा। ठीक है, सो ये तो सारी बात हो गई। अब बात करते हैं इसमें द ब्रिज डीएमपी का भी ऑप्शन है, आप इसके अंदर एप्पल का डॉक सिस्टम भी आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, और ये है गाइस इसका हिडन फीचर, जो कि किसी को पता नहीं है। अगर आपको चाहते हैं कि मैं एम्पलीफायर को फैक्ट्री रिजेक्ट कर दूं, तो आप इस बटन को प्रेस करके पूरा रिजेक्ट मार सकते हैं इस एम्पलीफायर को। ठीक है, और ये इसमें अलग से वोल्टेज एसी आउटलेट्स दे रखा है, जैसे कि आप इसके अंदर
सो आपको ये आउटलेट मिल जाता है 230 वॉट का, ठीक है। इसमें जैसे कि आपने कोई रैक सिस्टम बनाना है, इक्वलाइजर ऐड करना है, तो आप इन दो ऑप्शंस में अलग से मल्टीप्लग लेके ना जरूरत करके इसी एम्पलीफायर में आउटलेट में दे देंगे तो वो भी चल जाएगा। तो ये मुझे इतना अच्छा ऑप्शन लगा है ये भी कि इसमें आउट एसी आउटलेट्स भी दे रखा है। और सबसे बढ़िया इसमें ऑप्शन लगा है, आपको इसमें मेन ऑफ ऑन करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आपके घर में बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं और कोई रिश्तेदार रिलेटिव्स आए हैं, तो आपको यहाँ से अगर ये चाइल्ड लॉक है, अगर आप यहाँ से इसे ऑफ कर देंगे तो कोई भी बच्चा या कोई भी बड़ा हो वो आपके एम्पलीफायर को ऑन नहीं कर पाएगा जब तक कि उनको ये फीचर्स ना पता हो। बेसिकली छोटे बच्चे होते हैं, आगे से बटन प्रेस करते हैं, वॉल्यूम घुमाते हैं, जो भी है हम उन्हें मना नहीं कर सकते, बच्चे बच्चे होते हैं। तो इसीलिए कंपनी ने ये चाइल्ड लॉक बनाया है, इसको ऑफ कर देंगे तो आप एम्पलीफायर वहां से बैक से ऑन भी रखेंगे तब भी ये ऑन नहीं होगा, जैसे आप इसको ऑन करेंगे तो आगे से प्रेस करेंगे तब आपका एम्पलीफायर ऑन होगा। ये तो ये बहुत अच्छी चीज बनाई है और आप ये देख सकते हैं, ये इसका सीरियल नंबर है AN00930-07021। तो ये इसका सीरियल नंबर है, जिस भी भाई और बहन के पास जाएगा आप सीरियल नंबर नोट कर सकते हैं, ठीक है। यही सीरियल नंबर का एम्पलीफायर आएगा जिसकी वीडियो बनाई जा रही है, ओके गाइस। और ये है इसका मॉडल नंबर HK3490 हरमन गार्डन नॉर्थराइज कैलिफोर्निया डिजाइन USA, ठीक है। तो ये मैंने आपको बैग का दिखा दिया है, सारा कंडीशन बिल्कुल ऑल मिंट कंडीशन में है। चलिए अब मैं इसमें स्पीकर्स कनेक्ट करके आपको इसका टेस्टिंग वीडियो दिखा देता हूँ और वीडियो के एंड में मैं इसके प्राइस की डिटेल बताऊंगा किस द्वारा आप मंगा सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। जैसे कि मैंने इस हरमन गार्डन का जो एम्पलीफायर है जिसका मॉडल HK3490 स्टीरियो एम्पलीफायर है, बेस्ट एवॉर्डेड एम्पलीफायर है, इसके साथ में मैंने ये यामाहा के बहुत अच्छे हाई एंड बुकशेल्फ स्पीकर्स लगाए हैं। ये दिखने में कॉम्पैक्ट साइज है पर इनकी जो वोल्टेज की बात करें ये मैक्सिमम 150 वॉट के है, ये आप देख सकते हैं। यामा मॉडल NSE55 NS सीरीज के स्पीकर्स बहुत अच्छे होते हैं, इम्पीडेंस 6 ओम्स, मैक्सिमम इनपुट 150 वाट्स, मेड इन इंडोनेशिया। तो ये हमने दो वायर्स कनेक्ट कर दी है, बहुत अच्छे 150 वॉट के स्पीकर्स है, ठीक है। और जबकि ये एम्पलीफायर की भी मैं आपको एक बड़ी डिटेल दिखा देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैंने अपने मोबाइल फोन में इसकी पूरी डिटेल निकाल ली। आप भी गूगल पे जाके इसका मॉडल लिखेंगे तो ये हाईफाई इंजन पे सबसे बेस्ट इसका रिव्यूज दिखाया जाएगा। सबसे पहले तो 5 स्टार मिले हुए हैं इसे, ठीक है। मॉडल ये देख सकते हैं, हरमन गार्डन HK3490। HK जो सीरीज होती है ये एज अ बेसिकली स्टीरियो सीरीज होती है, ठीक है। आइए बात करें ट्यूनिंग रेंज, FM MW दोनों है इसमें, AM भी है। और इसकी वाटेज की बात करें तो पावर आउटपुट पर चैनल 120 वॉट पर चैनल इनटू 8 ओम्स, ठीक है गाइस। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस भी आप देख सकते हैं, टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्शन 0.07% है। इनपुट सेंसिटिविटी 200 mV है लाइन, सिग्नल टू नॉइस 95 dB है जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। और स्पीकर लोड इम्पिडेंस 8 ओम्स है, जबकि इसमें 4 से लेके 16 ओम्स तक आराम से ये प्ले करेगा, स्पीकर्स को चलाएगा। डिजिटल इनपुट में आपको कोएक्सियल ऑप्टिकल मिल जाता है, ठीक है। डायमेंशन दे रखी है। और वेट की बात करें वजन की, तो इसका जो वेट है 10.4 kg है। एसएसएस में आपको रिमोट मिलेगा, ईयर में ये 2008 का मैन्युफैक्चरिंग एम्पलीफायर है, ठीक है। बहुत यूनिक एम्पलीफायर है, तो मैंने तो इसकी आपको डिटेल के बारे में बता ही दिया है, ठीक है गाइस। और इसकी कॉस्मिक कंडीशन भी आपको दिखाई दी है। तो आइए हम इसमें ब्लूटूथ से कनेक्ट करके और अपना जो मोबाइल फ़ोन है उसे हम चला के दिखाते हैं। सो बेसिकली गाइस, हमारे पास जो रेड डिस्प्ले में ब्लूटूथ आए थे वो सारे ऑलमोस्ट सेल हो चुके हैं, और ये हमारे पास वही सेम मॉडल है बट इसका जो डिस्प्ले और खूबसूरत आ गया है, ब्लू कलर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये ब्लूटूथ डिवाइस है, बहुत यूनिक है, किसी भी एम्पलीफायर में आराम से इसे अटैच कर सकते हैं ये अपना RC केबल से, ठीक है। सिंपल ये 2 RC लगानी है आपको और आप इसे इजीली कनेक्ट करके, और USB ऑप्शन है इसमें, रिमोट मिलेगा इसके साथ में आपको, और ये मेमोरी स्लॉट भी दे रखा है, डिजिटल FM है और बहुत अच्छा साउंड है, काफ़ी हैवी वेट है, क्लास डी सर्किट में बना है, वेट बहुत अच्छा है और 220 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी से चलता है गाइस, ठीक है। किसी भी पुराने से 90s, 80s, 70s, 70, 80, 90s, 2000 किसी भी ब्रांडेड मॉडल्स के साथ, इवन आप लोकल एम्पलीफायर्स भी जो आते हैं उससे भी चला सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा ब्लूटूथ डिवाइस है,
जैसे हरमन गार्डन में इनबिल्ट ब्लूटूथ नहीं है तो हमने ब्लूटूथ किट लगा दिया है ताकि हम इसे ब्लूटूथ से प्ले करके हम आपको दिखा सके। ये मेरा मोबाइल फ़ोन है, ये मैंने देख सकते कोई वायर कुछ नहीं लगा रखा, ठीक है। ये इसका स्टैंड खोल देते हैं एक बारी। ये हमने इसको ऐसे रख दिया है, तो ये मैंने इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रखा है। तो आइए इसकी परफॉर्मेंस दिखा देते हैं आपको। सो गाइस, पहले तो सारे बटन ऑल वर्किंग है, मैं आपको उसको रिमोट से ऑन कर देता हूँ, ठीक है। सेल मैंने इसमें डाल लिए है, 4 बैटरीज आई इंस्टॉल दिस रिमोट। एंड कॉस्मिक कंडीशन मैंने आपको दिखा दी है, ब्रांड न्यू कंडीशन है, ठीक है गाइस, कहीं से कोई डैमेज नहीं है, लाइक शोरूम पीस है। इनके कैप्स भी मैंने संभाल के रखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ से आप इसे ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। वाओ, क्या खूबसूरत डिस्प्ले बनाई है कंपनी ने गाइस, इतना यूनिक डिस्प्ले है आप देख सकते हैं। वाइट कलर का इसमें आप जो बैक लाइट्स है इसकी वाइट मून लाइट कलर में है, और साथ ही साथ आपको ये वॉल्यूम में रिंग मिल जाएगा वाइट कलर का, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये देखिए, बहुत यूनिक हरमन जो डिज़ाइन बनाता है बड़ा ही खूबसूरत ब्यूटीफुल बनाता है, ठीक है। रिमोट इसका फुल वर्किंग है, सारे फंक्शन दे रखे हैं, ऑन ऑफ स्पीकर 1-2 चलाना है, फोनो CD वीडियो 1-2-3, FM AM टेप ऑन द ब्रिज, FM DSP मोड, ऑडियो ऑटो प्रेजेंट, सारे ऑप्शन है गाइस। मेमोरी जॉयस्टिक दे रखी है बड़ी सी, वॉल्यूम दे रखा है, ट्यून दे रखा है, म्यूट है, ठीक है। और जो बेस ट्रिबल है वो आपको इससे मैनुअल ही, यहाँ आप देख सकते हैं, मैनुअल एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। रिमोट फुल वर्किंग है आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको यहाँ रख देते हैं, रिमोट का भी मैंने टेस्टिंग वीडियो आपको दिखा दिया है, ओके गाइस। और बटन्स की बात करें, सारे बटन्स फुल वर्किंग है, जैसे कि आपको ये फोनो मिल जाता है इसमें, और ये मिल जाएगा CD वीडियो 1 वीडियो 2 वीडियो 3, ठीक है गाइस। स्पीकर 1-2 1+2 ये ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है गाइस। जैसे अगर आपको स्पीकर 1 चलाना है तो आप इससे स्पीकर 2 आ गया, 1+2 आ गया, ठीक है, इस तरीके से स्पीकर 1 आ गया आप देख सकते हैं। एंड स्पीकर अगर आपको दोनों चारों स्पीकर्स चलाने हैं तो आप ये 1+2 कर सकते हैं। ये प्रेजेंट ट्यूनिंग सारे ऑप्शन है, AM FM भी दे रखा है, FM मोड भी है, स्लीप भी दे रखा है आपको, ठीक है, DSP मोड दे रखा है। अगर आप इसको उस पर स्टीरियो चलाना चाहते हैं तो ये स्टीरियो कर दीजिएगा, ठीक है। और ये म्यूट है, ये म्यूट आप देख सकते हैं, और ये DSP वाइड आ गया, DSP रेफरेंस आ गया, स्टीरियो आ गया, और ये इसकी वॉल्यूम है फुल वर्किंग कंडीशन में। ये तुषार भाई आपके लिए एम्पलीफायर लेकर आया है, स्टीरियो एम्पलीफायर हरमन गार्डन का। तो आइए हम इसमें सॉन्ग प्ले करते हैं और आपको क्लैरिटी दिखाते हैं, क्या क्लैरिटी है इसकी, ठीक है गाइस। इसको रिमोट को यहीं रख देते हैं ऐसे। और इसमें जो ऑप्टिकल होने की वजह से आप ये देख सकते हैं, इसका जो हेडफोन है आप उसमें भी डॉल्बी का भी हेडफोन्स लिखा हुआ है, डॉल्बी वर्चुअल स्पीकर हेडफोन का इसमें लोगो लगा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे हेडफोन्स लगाएंगे तो आपको जैसे रात को नाइट मोड में आप इसे नहीं चलाना चाहते तो आप इसमें अच्छे से अपने हेडफोन्स को कनेक्ट करके भी डॉल्बी का इफेक्ट ले सकते हैं, ठीक है गाइस। सो आइए मैं वीडियो में सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ से मैं इसको प्ले कर देता हूँ, ये इसकी वॉल्यूम मैंने बढ़ा दी है, ब्लूटूथ से वॉल्यूम आई थिंक फुल ही होगी, देख लेते एक बारी। हाँ, वॉल्यूम फुल है ये, ठीक है। ये मैं वॉल्यूम अप करता हूँ, ओ मैंने CD में लगा रखा है, एक सेकेंड, CD वेयर इज़ द CD, दिस इज़ द CD एनालॉग आ गया, ये साउंड आ गया, वाओ अल्टीमेट। ये ट्रिबल देखिए आप, ठीक है, बेस, ये बैलेंस, ये बंद हो गया स्पीकर, वो चल रहा है, ये चल रहा है, वो बंद हो गया, वाओ क्या साउंड है गाइस, अल्टीमेट। फुल लाइव वीडियो, नो एडिटिंग, चेक कर सकते हैं आप। Don't care if it hurts, you're making it worse. I'm not gonna feel a thing tonight. I'm not gonna feel a thing. I'm not gonna see your face tonight.
tonight. Don't wanna hear anything that you say. Love is a game that I don't wanna play. To cry all you want, but I still walk away. So don't mean nothing. Lies between love. Say you love me, 'cause it's not a thing. आइए हम दूसरा सॉन्ग प्ले करके दिखाते हैं। गाइस, एक मेलोडी सॉन्ग मेरी तरफ से हमारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए आप देख सकते हैं। आई थिंक दिस वन, यस, वाओ, अमेजिंग यार, रियली क्रिस्पी क्रिस्टल मेलोडी सॉन्ग। बहुत ही मिठास, क्लियर साउंड है। कैसा लगा आपको मेरा प्यारा सा हरमन गार्डन का स्टीरियो एम्पलीफायर है, जो कि बहुत पावरफुल है, 120 वॉट पर चैनल 8 ओम्स में आता है, 10.5 किलो वेट है इसका। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल ऑल ओरिजिनल कंडीशन में एम्पलीफायर है, ठीक है। और ये जो वीडियो है पार्ट एंड, जिसमें मैं आपको इसके प्राइस के बारे में बताऊँगा। सो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि हमारा ऑल ओवर इंडिया शिपिंग अवेलेबल है। आप इसे कहीं भी घर बैठ के चाय नाश्ता करके इस एम्पलीफायर को, मेरे को सिर्फ कॉल करना है, डिस्प्ले पे आपको मोबाइल नंबर दिख रहा है, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आप, चाहे साउथ में है, नॉर्थ में है, वेस्ट में है, ईस्ट में है, कहीं भी, इवन इंटरनेशनल भी आप इसे कोरियर करा सकते हैं, ठीक है। सो गाइज, इसका जो प्राइस रहने जा रहा है, ये मैं इंक्लूडिंग शिपिंग के साथ आपको सिर्फ और सिर्फ 55,000 रुपीज़ का दे दूंगा, अच्छे से बढ़िया से पैक करके, और हिफाजत से हम इसे जो कोरियर कराएंगे DTDC से, ब्लू डार्ट भी हमारे पास है, ट्रैकऑन भी है, सारे कोरियर सर्विस अवेलेबल है मेरे पास, ठीक है, DHLR भी है, डिलीवरी भी है। तो आप इस एम्पलीफायर को सिर्फ और सिर्फ 55,000 रुपये में, इंक्लूडिंग शिपिंग, मैं ये आपको दे दूंगा, ठीक है गाइस। बहुत यूनिक एम्पलीफायर है ये एम्पलीफायर, आप किसी भी LED TV, प्रोजेक्टर, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, डेस्कटॉप, किसी के साथ भी इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये इसमें FM भी है, FM भी देख सकते हैं आप, पीछे एंटीना लगाएंगे, जैसे कि मैं टच करूंगा इसका वॉल्यूम, ठीक है गाइस। FM भी इसके अंदर है, पर एक वायर इसमें ऐड करनी होगी, FM मोड मोनो, ये देखिए ये मोनो करेंगे, ये इसका FM भी प्ले हो गया, ठीक है गाइस। तो ये FM हो, उसमें वायर लगती है, ठीक हो जाएगा, 92 90, इसको सेटिंग करना पड़ेगा, ट्यूनिंग, FM 1 2 3 92 92.7 होता है, थिंक ये मैं वायर देखिए, बिल्कुल FM का साउंड बहुत जबरदस्त आ रहा है, 93.5 देखिए, फुल वर्किंग है गाइस FM, ये देखिए, यहाँ पे आपको FM एंटीना लगाना पड़ेगा, लगाते ही कैच निकलते पेट और बल्लेबाजों के स्ट्राइक रेट की चर्चा। तो गाइस, मैंने आपको इसका FM भी टेस्ट करा दिया है, ठीक है, प्राइस मैंने आपको बता दिया है। तो इजाज़त दीजिए तुषार भाई को, आज मैंने बहुत कोशिश करी है कि मैं एक छोटी वीडियो बनाऊं,
तो प्लीज हमारी वीडियो अच्छी लगी हो जरूर सब्सक्राइब लाइक करना। जो भी हमारे नए मेंबर्स हैं, पहली बारी वीडियोस देख रहे हैं, उनसे भी मैं निवेदन करता हूं कि प्यारे से हमारा ऑडियो हंटर चैनल है, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक करके रखिए, ताकि हम आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियोस और बढ़िया से बढ़िया पूरी जान जी जान लगा के आपके लिए अच्छे अच्छे एम्पलीफायर प्रोडक्ट्स लेकर आते रहे। ठीक है, सो बने रहिएगा गाइस मेरे चैनल में, दुआ करते हैं, हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए, जिंदगी ना मिले दोबारा, म्यूजिक को एंजॉय कीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, होप यू लाइक इट। सो बाय गाइस, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। और आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो बाय गाइस, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद मेरा भारत माता।